मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? यूनिट वन यूनिट टू खत्म, इंटरनल एग्जाम खत्म। अब हम आज के लेक्चर में यूनिट थ्री से आगे शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर थ्री सिलेबस सबसे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया होगा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर थ्री मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो इस चैप्टर के अंदर आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपने कॉलम बनाई, फॉर्मूला रखे, उसके अंदर वैल्यू डाली और आंसर्स मिल गए, इस तरह का चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर के अंदर पूरा बेस आपके थिंकिंग के ऊपर है। आप थिंक कर सकते हो तो प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, थिंकिंग पावर होना चाहिए। तो 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। कंप्लीट ध्यान आप ही नया चैप्टर सीखो तो ज आवड़ से बेटा, आगरना चैप्टर्स जो सहलू न थे, तमने जितलू विचारता आवड़ से इतलू गणता आवड़ से आ चैप्टर में। योर थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, आप कैसे थिंकिंग करते हो वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, समझ गए? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर थ्री, दैट इज प्रोबेबिलिटी। इतना है कि इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो देखते हैं यूनिट नंबर थ्री। प्रोबेबिलिटी ओनली वन चैप्टर, गुजराती में कहवा है संभावना। तो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है क्या? तो प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एटले गुजराती में एने कहवाय अचोक्कसता। जैसे कोई अनसर्टेन इवेंट है तो उसका वैल्यू कितना वो हम मेजर करेंगे तो उस चीज को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आज शाम को बारिश हो सकती है तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली राकेश विल मैरी मधु, राकेश मधु से मैरिज करेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जहां अनसर्टेनिटी है ऐसी इवेंट्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, अचोक्कसता नो माप इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रोबेबिलिटी। अचोक्कसता नो जो माप छे बेटा एने प्रोबेबिलिटी कहेवाय, ओके। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले लाइन, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब गुजराती में अचोक्कसता कहेवाय, अचोक्कसता नो माप एने संभावना कहेवाय, राइट। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमको, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट मेथड आपको स्टार्ट कर रहा हूं। अब प्रोबेबिलिटी कौन से इवेंट्स की फाइंड करते हैं? तो अनसर्टेन इवेंट्स, जैसे कि मैं कॉइन थ्रो कर रहा हूं,
कॉइन मतलब सिक्को, कॉइन टॉस कर रहा हूं, सिक्को उछाड़ो छो, देन देयर इज टू पॉसिबिलिटीज। कॉइन टॉस करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड या टेल अनसर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी का मेजर फाइंड करना है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, लेकिन उसमें 1 आए उसका प्रोबेबिलिटी कितना, 2 आए उसका प्रोबेबिलिटी कितना, 3 आए उसका प्रोबेबिलिटी कितना, तो ये सब अनसर्टेन है। तो जिस इवेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटी है उसको हम प्रोबेबिलिटी से डिस्क्राइब करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है उसको मेजर करने की एक वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं सिंपल फॉर्मूला मेथड, सादा सूत्र की मदद से संभावना शोधवानी छे। ओके, मेथड 1 सिंपल फॉर्मूला मेथड, सादा सूत्र की मदद से संभावना शोधवी। मैंने आपको बताया कि जो मेथड 1 है उसके अंदर 3 स्टेप फॉलो करना है आपको, स्टेप 1 2 एंड 3। ठीक है ना, स्टेप 1 क्या है आपका, स्टेप 1 सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फाइंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू n, फाइंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फाइंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज n। सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब कुल शक्य परिणामों की संख्या। अब ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, कैसे किस तरह से मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं तो दो पॉसिबिलिटीज है, हेड आएगा या टेल आएगा, तो यहां नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 हो गए। एक डाइस थ्रो कर रहा हूं तो डाइस थ्रो करूंगा 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ एक नंबर मिलेगा, तो पॉसिबिलिटीज कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा। 52 कार्ड्स है उसमें से एक कार्ड में ले रहा हूं, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने मिलेंगे मुझे, 52 मिलेंगे। समझ रहे हो, लॉटरी के टिकट है जिसके अंदर 1 to 10 लिखा हुआ है, उसमें से एक टिकट में निकाल रहा हूं, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहां पे कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स n फाइंड करना है, इसलिए फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा फाइंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3 में से किसी एक तरह से हम निकालेंगे। पहला सैंपल स्पेस, अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस दैट इज एस गुजराती में कहवाए नीदर्स अवकाश, सैंपल स्पेस लिखेंगे। जैसे कि कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा, इन ब्रैकेट एच एन टी, कर्वी ब्रैकेट में लिखना है, छगड़िया कौंस में लिखवाना है कर्वी ब्रैकेट। डाइस थ्रो किया तो इन ब्रैकेट हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 to 10 नंबर से एक नंबर सिलेक्ट कर रहा हूं, तो इन ब्रैकेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से मैं सैंपल स्पेस लिखकर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन फाइंड कर सकता हूं। पहला रास्ता, इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो राइट सैंपल स्पेस, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो फिर हमको वर्ड्स देखना है, सैंपल स्पेस लिखेंगे या फिर दूसरा पॉइंट परम्यूटेशन का यूज करेंगे। परम्यूटेशन का यूज कब करेंगे, अरेंजमेंट दिया होगा,
अरेन्जमेंट दैट इज गोठवणी गुजराती में क्रमचयनो यूज करीशु बेटा गोठवणी आपेली हशे त्यारे व्हेन अरेन्जमेंट इज गिवन वर्ड दिया होगा आपको अरेन्ज करना है तो परमिटेशन का यूज करेंगे अब परमिटेशन का फॉर्मूला कौन सा था दैट इज एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल तो सर ये सब वापिस आने वाला है यस आने वाला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सैंपल स्पेस ये सब वही आने वाला है जो इलेवंथ के अंदर था ठीक है चलो देखते हैं आगे चलो पहला रास्ता सैंपल स्पेस लिखने से टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन मिलेगा या फिर परम्यूटेशन का यूज करेंगे तो परम्यूटेशन का यूज कब करना है वो मैंने लिखा अरेंजमेंट दिया हुआ है आपको क्रमचय गोठवणी राइट उसका फॉर्मूला भी लिखा या फिर कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे अब ये कॉम्बिनेशन क्या है तो कॉम्बिनेशन सिलेक्शन दिया होगा आपको सिलेक्शन गुजराती मां क्या हुआ है पसंदगी कॉम्बिनेशन एटले संचय तो संचय या पसंदगी ठीक है तो कॉम्बिनेशन का यूज कब करना है जब एग्जांपल के अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा कुछ तो सिलेक्शन के टाइम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे उसका फॉर्मूला क्या था तो ऐसा था एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल ये ज्यादा का है इनटू आर फैक्टोरियल यहां परम्यूटेशन में नहीं रहता है कॉम्बिनेशन में रहता है अंडरस्टैंड तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा फाइंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स सबसे पहले हमको टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं जिसको कि हम एन कहेंगे और एन निकालने के तीन रास्ते मैंने आपको बताए या सैंपल स्पेस लिखकर एन निकालो या परमिटेशन का यूज करो या कॉम्बिनेशन का यूज करो पॉसिबल है सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख देंगे लिख सकते हैं तो फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स देखेंगे अरेंजमेंट दिया है तो परमिटेशन का यूज करेंगे और सिलेक्शन करने को बोला है तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे ठीक है इस तरह से मैं सबसे पहले एन फाइंड करूंगा उसके बाद स्टेप नंबर टू में क्या करना है स्टेप नंबर टू में आपको करना है फाइंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए इक्वल टू एम इवेंट ए એટલે ઘટના એ ઇવેન્ટ એ કે કોણ સે આઉટકમ્સ નિકાલના હે ફેવરેબલ ચલો અ ડાયસિસ થ્રોન એસા બોલા થા આપકો તો આપ સેમ્પલ સ્પેસ લિખેંગે 1 2 3 4 5 6 તો મુજે નંબર ઓફ ટોટલ પોસિબલ આઉટકમ્સ n 6 મિલ ગયા અબ આપકો બોલા હે ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ એન ઇવન નંબર ઓકર્સ इवन नंबर मतलब बे की संख्या इवन नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है ठीक है तो आप क्या करेंगे भाई मैंने डाइस थ्रो किया तो सैंपल स्पेस एस के अंदर 1 2 3 4 5 6 मिला अब इवन नंबर अकर्स इवन नंबर मतलब बे की संख्या आवे तो कौन सा लिखेंगे ए के अंदर हम 2 4 6 तो यहां मुझे इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे कौन से 3 2 4 एंड 6 तो पहला स्टेप एन फाइंड करना दूसरा स्टेप एम फाइंड करना एम इज व्हाट सो एम इज ये लिखा मैंने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए इवेंट ए के जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको हम क्या लिखेंगे एम लिखेंगे वो किस तरह से निकालेंगे तो अगर यहां मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर सैंपल स्पेस का यूज किया है तो यहां मैं सेट ए लिखूंगा सेट ए दैट इज गण ए गुजराती में सेट लिखना है वो कर्वी ब्रैकेट होता है ना छगड़िया कंस होय छे ने એની અંદર ઘટકો લખીએ એને ગણ કહેવાય ગુજરાતી માં ગણ અને ઇંગ્લિશ માં સેટ કહેતે હે ઉસકો ઠીક હે નાઉ યહાં પરમ્યુટેશન કા યુઝ કિયા હે તો યહાં ભી પરમ્યુટેશન કા યુઝ કરુંગા और ऊपर अगर मैंने n फाइंड करने के लिए कॉम्बिनेशन का यूज किया है तो स्टेप टू के अंदर m फाइंड करने के लिए भी मैं कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर एन फाइंड करना है, दैट इज नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन फाइंड करना है। एन फाइंड करने के तीन रास्ते, सैंपल स्पेस लिखो या परम्यूटेशन का यूज करो या कॉम्बिनेशन का यूज करो, ठीक है बेटा। नाउ स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करना है आपको, फाइंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए। फेवरेबल आउटकम्स गुजराती में शू कहवाय सर, गुजराती तो तमे लख्यु नहीं, फाइंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो सानुकूल परिणामों, सानुकूल परिणामों, सानुकूल परिणामों की संख्या, घटना ए माटे ना सानुकूल परिणामों की संख्या एम शोधवानी, और यहां नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स એટલે कुल शक्य परिणामों की संख्या। ओके बेटा, तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए तीन रास्ते, सैंपल स्पेस या कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन। सेकंड स्टेप के अंदर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज एम फाइंड करेंगे। एम फाइंड करने के तीन रास्ते, अगर मैंने ऊपर सैंपल स्पेस का यूज किया है तो यहां सेट ए लिखूंगा, अगर मैंने ऊपर परम्यूटेशन का यूज किया है तो यहां परम्यूटेशन का यूज करूंगा, और कॉम्बिनेशन का यूज किया है तो यहां भी कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा। इस तरह से मुझे दो वैल्यू मिल गई। देखो सबसे पहले क्या मिल गया था मुझे, एम। सेकंड स्टेप में क्या मिल गया, एम। नाउ स्टेप नंबर तीन के अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। देखो यहां पे स्टेप नंबर थ्री के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, स्टेप नंबर थ्री फाइंड प्रोबेबिलिटी, संभावना शोधो। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, घटना ए नी संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नथिंग बट एम बाय एन, एम बाय एन। एम क्या था, ये एम क्या था, तो ये रहा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एम, ठीक है। एंड एन क्या था, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन। आप 12th के अंदर भी प्रोबेबिलिटी सीखे होंगे, ठीक है, 10th के अंदर भी सीखे होंगे, अभी FY BCOM के अंदर भी आप लर्न कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो, डिफरेंस दिखेगा आपको, अलग अलग टीचर्स के बाद आप पढ़े होंगे, अभी प्रोबेबिलिटी मेरे पास पढ़ रहे हो, बहुत डिफरेंस दिखेगा, ठीक है बेटा। एक चीज याद रखो, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो 100% आपको आने वाला है, सब कुछ आएगा, ठीक है बेटा। तो अभी के लेक्चर के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया, फर्स्ट मेथड सिंपल फॉर्मूला मेथड, उसके अंदर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एन। एन फाइंड करने के लिए सैंपल स्पेस एस, उसके बाद परम्यूटेशन या फिर कॉम्बिनेशन, तीन में से किसी एक रास्ते से हम एन निकालेंगे, समझे। उसके बाद फाइंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए, इवेंट ए माटे ना सानुकूल परिणामों की संख्या दैट इज एम फाइंड करीशु, सेट सैंपल स्पेस का यूज किया है तो सेट ए, परम्यूटेशन का यूज किया है तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन का यूज किया है तो कॉम्बिनेशन, और लास्ट में स्टेप नंबर थ्री, इट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा, एम अपॉन एन, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। नाउ आगे देखते हैं, अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, तो तीन स्टेप से जाना पड़ेगा। स्टेप वन इज फाइंड टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन, एन फाइंड करना है सैंपल स्पेस या परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का यूज करके। उसके बाद फाइंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए, इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम्स आपको फाइंड करने हैं, उसको हम एम कहेंगे। अगर मैंने सैंपल स्पेस का यूज किया है तो सेट ए लिखूंगा, अगर परम्यूटेशन का यूज किया है तो परम्यूटेशन का यूज करूंगा, और कॉम्बिनेशन का यूज किया है तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेप था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड करना है, तो एम अपॉन एन करके फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तीन स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद ये मैं सम्स पढ़ा रहा हूं वो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स का टाइटल है पैम्पलेट के अंदर,
वहां पे देख लेना। एग्जाम्पल नंबर वन में स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर वन स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स है जो आप लिख देना बुक के अंदर, ठीक है। अभी आपको बोला है मोर देन, थी वधु गुजराती में, चलो मोर देन फाइव, मोर देन फाइव इसका मतलब क्या होगा, पांच से ज्यादा। तो कौन से नंबर्स आएंगे, पांच से ज्यादा मतलब सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इस तरह से आएगा, समझे। तो मोर देन थी वधु उससे ज्यादा, देन लेस देन दिया होगा आपको, लेस देन, तो लेस देन का मतलब होगा गुजराती में तो थी ओछा कहेवाय, कम, ठीक है, कम। लेस देन मतलब कम। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है लेस देन थ्री, लेस देन थ्री, थ्री मतलब तीन, तीन से कम। तो तीन से कम मतलब कौन सी वैल्यूज रहेगी, जीरो वन टू, बस तीन से कम, तीन नहीं आएगा उसमें, तीन से कम तो जीरो वन टू। मोर देन फाइव पांच से ज्यादा तो सिक्स सेवन एट नाइन इस तरह से आगे चलेगा, ओके बेटा। ना उसके बाद वर्ड आ गया, वर्ड आपको मिलेगा एटलीस्ट वन, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होगा ओछामा ओछू, एटलीस्ट कम से कम, मतलब क्या उससे कम नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है एटलीस्ट सेवन, एटलीस्ट सेवन, तो एटलीस्ट सेवन का मतलब क्या होगा, कम से कम सात, मतलब सात आ सकता है, आठ आ सकता है, नौ दस ग्यारह बारह आ सकता है, लेकिन सात से कम नहीं आ सकता है, एटलीस्ट सेवन, समझे। ओछामा ओछू सात, एटलीस्ट सेवन कम से कम सात, तो कम से कम सात मतलब सात या उससे ज्यादा, अंडरस्टैंड। देन एटमोस्ट आएगा, एटमोस्ट, तो एटमोस्ट नो मतलब थसे वधु मा वधु, मैं ऐसा बोलू आई हैव एटमोस्ट फाइव रुपीस, मेरे पास ज्यादा में ज्यादा पांच रुपए है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास पांच रुपए है या उससे कम है, गरीब आदमी हूं ना तो कहां से लाऊं मैं, मेरे पास एटमोस्ट फाइव रुपीज, एटमोस्ट फाइव, एटमोस्ट फाइव का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा फाइव, उससे कम हो सकते लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये सब वर्ड आपको आने वाले एग्जांपल्स के अंदर, मोर देन लेस देन एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जैक्ट भी आएगा, एग्जैक्ट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली એટલે માત્ર અને માત્ર, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, मात्र अने मात्र, ठीक है। तो अब मैं ऐसा बोलू आई हैव एग्जैक्टली टेन रुपीस, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दस रुपए है, उससे कम भी नहीं है उससे ज्यादा भी नहीं, अंडरस्टैंड। तो एग्जैक्टली का मतलब समझ गए, एग्जैक्टली मतलब सिर्फ और सिर्फ, ओनली, अंडरस्टैंड, ओके। पांच सेकंड रुक रहा हूं, ये वर्ड्स लिख दो, ये वीडियो को पॉज कर दो और लिख दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब सम्स देखते हैं, सम्स एग्जाम्पल्स नो टाइटल छे बेटा पैम्पलेट नी अंदर, एग्जाम्पल्स का टाइटल दिया हुआ है, उसमें टाइप वन लिखा है या मेथड वन लिखा है, सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन, सिंपल फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम अपॉन एन, एम इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए एंड एन इज नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो
फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ये उसका प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन अ फेयर सैंपल ऑफ पॉपुलेशन 1000 मेल एंड 1400 फीमेल बेबीज वर रिपोर्टेड। किसी एक सैंपल के अंदर 1500 मेल, सैंपल मतलब नीदर्स सैंपल, जैसे 1000 लोग है उसके अंदर से मैं 500 सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये 500 जो मिला ना वो सैंपल है, राइट चलो पूरा ब्लड होता है उसका सैंपल लेते हैं, तो थोड़ा ब्लड निकालते हैं ना, तो सैंपल, सैंपल मतलब पॉपुलेशन का कोई एक पार्ट, समष्टि नो कोई एक भाग, इट इज नोन एज सैंपल, ठीक है। इन अ फेयर सैंपल ऑफ पॉपुलेशन 1000 मेल एंड 1400 फीमेल बेबीज वर रिपोर्टेड। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखना बराबर। एग्जाम्पल वन, 1500 मेल एंड 1400 फीमेल बेबीज वेर रिपोर्टेड। अब आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड बीइंग बोर्न एज फीमेल, बाड़क फीमेल हो एनी प्रोबेबिलिटी के लिए। तो अब यहां कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दे दिया है कि मेल 1500 है और फीमेल कितने हैं 1400 है, ठीक है। तो दोनों का समेशन कर देंगे सबसे पहले, तो टोटल बेबीज कितने हुए 1500 प्लस 1400, तो टोटल बेबीज हुए 2900, कैसे 1500 प्लस 1400 तो 2900 हो गया, राइट। तो यहां मैं लिखूंगा सबसे पहले एन, एन इक्वल टू 1500 प्लस 1400, सो एन इज 2900। कोई सैंपल स्पेस का यूज नहीं करना है, कोई परमिटेशन नहीं आएगा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी वैल्यू आपको दे के रखी है, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहां लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड बीइंग बॉर्न एज फीमेल बाड़क की प्रोबेबिलिटी शोधवानी छे, ठीक है। तो यहां डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, तो नंबर ऑफ फीमेल बेबीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बेबीज, ओके। चलो नंबर ऑफ फीमेल बेबीज कितने हैं, ये रहा दिख रहा है आपको, फीमेल बेबीज कितने हैं 1400 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बेबीज, तो टोटल नंबर ऑफ बेबीज हमने यहां प्लस करके लिखा था 2900, अब दो जीरो कैंसिल कर दो तो आंसर मुझे मिलेगा 14/29, हो सके वहां तक इस तरह का आंसर लिखना है, डिवाइड नहीं करना है, ओके 14/29 डन, ये फाइनल आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, नाउ एग्जांपल नंबर टू, सेकंड एग्जांपल, एग्जाम्पल टू में आपको क्या बोला है देख लेते हैं। टू कॉइन्स आर टोस्ड एट वंस, कितने कॉइन टोस्ट करना है, दो कॉइन, टू कॉइन्स आर टोस्ड एट वंस, टू कॉइन्स आर टोस्ड एट वंस, एट वंस इटले एक बार, दो कॉइन एक बार टोस्ट करना है, बे सिक्का एक बार उछाड़वाना छे, अंडरस्टैंड। चलो हम कॉइन टॉस करते हैं तो आपको, मुझे सबको पता है कि दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा, हेड दैट इज एच एंड टेल दैट इज टी, ठीक है बेटा। अब यहां कितने कॉइन थे, टू कॉइन्स, तो टू कॉइन्स थे इसलिए मुझे यहां नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज एन मिलने वाला है, एन कितना मिलेगा, तो 2 रेस टू 2, सो ये 2 रेस टू 2 कहां से लेके आए,
ये मुझे नहीं पता चला, मैं बता रहा हूं। एक कॉइन आप टॉस करते हो तो दो पॉसिबिलिटीज है, कौन सी दो, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो उसका टू लिखा है। अब ऐसे कितने कॉइन है, टू कॉइन्स है, तो टू रेस टू टू। अगर तीन कॉइन होते सर तो चलो एक कॉइन में टॉस कर रहा हूं तो उसकी पॉसिबिलिटीज दो है, थ्री कॉइन्स है तो टू रेस टू थ्री, समझ गए। फोर कॉइन्स आपको दे के रखे, चार कॉइन आपेला छे, तो क्या करना पड़ेगा, तो भाई वन कॉइन में टॉस कर रहा हूं तो टू पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है, बट फोर कॉइन्स है तो टू रेस टू फोर, अंडरस्टैंड, खबर पड़े छे मित्रों। फाइव कॉइन्स है तो टू रेस टू फाइव, समझ गए। चलो देखो यहां, तो यहां मैंने टू रेस टू टू कैसे लिखा, क्यों लिखा, सब पता चला आपको। एक कॉइन टॉस करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, इस तरह से टू कॉइन्स है तो टू रेस टू टू लिखा, टू रेस टू टू दैट इज स्क्वायर ऑफ टू, तो टू इंटू टू करने से मुझे टोटल पॉसिबल आउटकम्स फोर मिल जाएंगे, ठीक है, समझे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैं सैंपल स्पेस एस कर्वी ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, शु कहवाय गुजराती में छबड़िया कौंस नी वच्चे लखू छू, कितने आउटकम्स मुझे मिलेंगे, फोर, देख लो बराबर। ये भी लिखना बताता हूं मैं, सैंपल स्पेस कैसा लिखना है। टोटल आउटकम्स कितने मिले मुझे, फोर मिले, तो फोर का हाफ करो, फोर का हाफ करो, चार ना अर्धा कर, दो मिला, तो दो ब्रैकेट के अंदर आप एच लिखेंगे और दो ब्रैकेट के अंदर टी लिखेंगे, ठीक है, उसका रट्टा नहीं मारना है, कैसे बना रहा हूं वो सीखो, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझो, गोखवानो नहीं, राइट। चलो टू रेस टू टू कितना मिला, फोर, फोर के हाफ कहिए, चार ना अर्धा करिया, बे मड़ियो तो टू टाइम एच टू टाइम टी, अब दो मिला था, दो के हाफ करो वन मिलेगा, टू बाय टू करने से वन मिलेगा, तो वन टाइम एच वन टाइम टी, वन टाइम एच वन टाइम टी, सब रट्टा मारने का सिखाते है, एच 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 टी टी एच टी टी, और मैं कैसे आया वो बताता हूं, दिस इज द डिफरेंस, यही डिफरेंस है, आपको पता चलेगा धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि आप पहले ट्वेल्थ में पढ़े हुए हो, एफ आई में फिर से पढ़ रहे हो, इसलिए आपको आइडिया है आपने कैसा सीखा था और मैं किस तरह से सिखाता हूं, डिफरेंस आपको पता चलेगा धीरे धीरे, समझे बेटा। तो मैंने एक्सप्लेन किया ये चार आउटकम्स किस तरह से आए, रट्टा मारने को नहीं बोला मैंने, ठीक है, गोखवान नहीं कहूं, ओके। चलो आगे देखते हैं, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। तो अब यह नंबर वन है उसको मैं कहूंगा इवेंट ए, इवेंट ए के अंदर आपको दे के रखा है एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू हेड्स। चलो अभी मैंने बताया था एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग, मात्र ने मात्र बी हेड, ओनली टू हेड्स, दो से कम भी नहीं और दो से ज्यादा भी नहीं, मतलब दो हेड आए, ऐसा ब्रैकेट मुझे ए के अंदर लिखना पड़ेगा तो सेट ए बनाऊंगा। एग्जैक्टली टू हेड्स, दो हेड आने चाहिए, तो दो हेड वाला एक ही ब्रैकेट है एच एच, तो यहां मुझे मिलेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज एम लिखेंगे हम, तो इवेंट ए के अंदर या सेट ए के अंदर वन मेंबर एक सभ्य दिखाई छे, सो एम इज वन। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट एम बाय एन, एम इज वन एन इज टू, ये रहा एन, एन इज फोर, सॉरी आंसर इज वन बाय फोर। नाउ सेकेंड पॉइंट, इवेंट बी, इवेंट बी में क्या करना है देखो, अंदर वन हेड एंड वन टेयर उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, वन हेड एंड वन टेयर, वन हेड एंड वन टेयर,
एक हेड आवे बेटा और एक टेल आवे। तो यहां हमको चार आउटकम्स मिले थे, उसमें से कौन सा आएगा? वन हेड एंड वन टेल, एक हेड होना चाहिए एक टेल होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे बोलो? एच टी एंड बोलो टी एच, ये दोनों के अंदर एक हेड है और एक टेल है। तो यहां मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम लिखेंगे एम, एम इक्वल टू वन एंड टू, दो आउटकम्स मिले। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एम बाय एन, एम इज टू एन इज फोर, सर सभी की प्रोबेबिलिटी एम बाय एन लिखना है, यस सभी की प्रोबेबिलिटी एम बाय एन ही रहेगी, कोई भी इवेंट हो, इवेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच व्हाटएवर, ठीक है। सो टू इंटू वन इज टू एंड टू टू जै फोर, तो आंसर मिलेगा मुझे वन बाय टू। नाउ थर्ड इवेंट सी, इवेंट सी में क्या करना है? इवेंट सी थर्ड पार्ट में आपको दिया है ऑल टेल्स, ऑल टेल्स, चल ऑल टेल्स मतलब सभी टेल्स होंगे, तो ये चार आउटकम्स दिख रहे हैं आपको, उसमें से सभी टेल्स मतलब दोनों टेल हो ऐसा लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे बोलो? सी के अंदर ये रहा एच एच नहीं आएगा, एच टी नहीं आएगा, टी एच नहीं आएगा, टी टी आएगा, क्योंकि उसमें दोनों टेल है, ऑल टेल्स बोला है इसलिए, तो यहां लिखूंगा मैं टी टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले बोलो? हेलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एम इक्वल टू कितने है सी के अंदर? वन मेंबर, तो वन लिखना है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज एम बाय एन, एम इज वन एन इज फोर, आंसर इज वन बाय फोर, ठीक है। तो एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू दो एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे बेटा, जिसके अंदर थ्री कॉइंस वाला हम देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे रोज तीन चार सम करके आगे बढ़ रहे हम लोग, प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा हेवी चैप्टर है, समझते रहना लिखते रहना, जनरली होमवर्क इस चैप्टर के अंदर कम होगा, इसलिए क्लास वर्क रेगुलरली करते रहना, होमवर्क अगर दूं तो वो भी कंप्लीट करते रहना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते बेटा, बाय एवरीवन।